सर अब्दुल रहमान खान मेरा नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि एमक्यूएम जागीदारा निजाम के खिलाफ वोट लेती है और हर मर्तबा उन्हीं जागीदारों को उन्हीं वडेरों को एमक्यूएम सपोर्ट करती है। मेरा आपसे क्या ये सवाल है कि क्या आसिफ अली जरदारी एक नाल के घर में रहता है या 120 मरले के मकान में रहता है? कि यूसुफ रजा गिलानी के बच्चे बाहर नहीं पढ़ते कि जिनके साथ जिस निजाम को खत्म करने की बात आप कर रहे हैं, आप उसी निजाम को सपोर्ट करते हैं। आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप नाजम रहे बेस्ट, ये किस किस्म की आपकी इखलाकियात हैं कि आप दलील के बजाय गोली से बात करते हैं और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की सख्त आप में इतनी है कि आप लोगों को याजूज माजूद कहते हैं? और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पंजाब की आवाम से कि आप किसी को मिस्टर बीन, किसी को आप मिस्टर बीन कहें और पंजाब के गयूर अवाम को मुजरों का ताना दें? तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब के गयूर अवाम इतने अंधे लूले काने हैं कि वो आपकी जमात को वोट देंगे ये सारी हिस्ट्री जानते हुए? और क्या अल्ताफ हुसैन और क्या पूछ लो बॉस, आखिरी बात सुनो, क्या अल्ताफ हुसैन से भी बड़ा कराची में कोई डॉन है कि जिससे अल्ताफ हुसैन डरता है और इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं? और अगर वाकई अल्ताफ हुसैन इतना मासूम और शरीफ आदमी है तो मेरा ये सवाल है कि जुल्फकार मिर्जा के खिलाफ वो मुकदमा क्यों नहीं करता जबकि आप खुद कहते हैं कि आज पाकिस्तान की इतनी आजाद है? तो अगर आजाद है तो इतनी इखलाकी जुर्रत और गैरत है तो आओ पंजाब में, आओ पाकिस्तान में, पंजाबी देश सिंधी देश का नारा ना लगाओ, उर्दू स्पीकिंग की बात ना करो। बहुत कर दें जी, अब इसमें जवाब मैं क्या दूं।